top 10 private bee schools in India. Our focus is on cutting-edge domain knowledge and benchmarking with world-class businesses. Big Tech, excellence with values. मुलायम सिंह उस समय हमारी जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और मैं आपको घटना बताता हूं कि कितना समझदार मुलायम सिंह है। वो वास्तव में हनुमान का भक्त है लेकिन वोट के लिए वो सारा ये ड्रामा करता है। उसको मैंने फोन करके कहा कि वीपी सिंह की सरकार जो मैं हमारी सरकार के पहले थी उन्होंने एक बहुत बड़ा अन्याय किया कि जिस सेशंस जज पांडे ताला खोलने के लिए आदेश दी उसको हाईकोर्ट जज बनने के लिए मना कर दिया और मेरे सामने फाइल है जिसमें यह हुआ है। तो मैंने उनसे पूछा कि आपकी राय क्या है कि मैं इसको तो जज बनाने वाला हूं। तो मुलायम सिंह बिगड़ गए फोन में, कहा कि तुम हमारी नाक काट दोगे, ये है वो है, दुनिया भर की बात की थी। मैंने कहा मुलायम सिंह मैं तो ये करने वाला हूँ, तुम्हें सूचना देने के लिए फोन किया, कल पेपर में देखोगे तो बुरा लगेगा इसलिए मैंने पहले बता दी। तब उन्होंने उनसे कहा कि अच्छा फाइल भेज दो, मैं तुम्हारे लिए भी रास्ता बना दूंगा। और उन्होंने फाइल में लिखा कि पांडे ईमानदार निष्कपट ज्ञानी व्यक्ति है लेकिन फाइल ताला खोलने की आदेश दी इसीलिए इसको जज नहीं बनाना चाहिए। तो फिर मैंने जज बना दिया पांडे को, हाईकोर्ट जज बनाकर उसको मध्य प्रदेश में पोस्ट कर दिया। तब मुलायम सिंह आए थे आजम खान के साथ जिसने मुझे दुनिया भर की गाली दी, तो सबको देता है तो मुझे बुरा नहीं लगा। तो मैंने कहा कि ये मुलायम सिंह को लिखना चाहिए था कि नालायक है, ये काबिल नहीं है, इसको जज कतई नहीं बनाना चाहिए, ये पहले कह दें कि ये बहुत ज्ञानी है, निष्कपट है। उनसे जानता हूँ भाई जैसा, कई बार उनके साथ हम घंटों घंटों बहस में रहे हैं, आज भी मिलते रहते हैं। तो वो भी आखिर में उसका हिंदुत्व जग जाएगा और वो साथ देगा हमें, इसमें ऐसा मुझे विश्वास है। मैं मुस्लिम नेताओं के साथ भी मिलने के लिए तैयार हूँ परंतु बात तो बहुत सीमित है। मस्जिद हटाया जा सकता है अनुमति के साथ, ये सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में है। सऊदी अरेबिया, कतार, पाकिस्तान, इन्होंने मुझे आधार दे दिया है टर्की कि हाँ हम पब्लिक पर्पस के लिए मस्जिद हटाया जा सकता है और दूसरी जगह बनाया जा सकता है।